साल 2019 में हम सब केदारनाथ यात्रा गए थे। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से होती है। ये करीबन 16 किलोमीटर का ट्रैक है। शुरुआती दौड़ में आपको ऐसे घोड़े का अस्तबल मिलेगा जहां आप घोड़े कर सकते हैं। सामने में जो रास्ता नज़र आ रहा है ये केदारनाथ यात्रा की शुरुआत है। ऐसे ही आपको आगे की तरफ बढ़ना है। गौरीकुंड के बाद जो पहला स्टॉप आता है वो रामबाड़ा है। इसके बाद बड़ी लिंगचोली, छोटी लिंगचोली, बेस कैंप होकर आपको केदारनाथ पहुंचना है। साल 2013 आपदा के पहले आपके लेफ्ट साइड में जो रास्ता है वो जाती थी, अभी राइट साइड वाला रास्ता पकड़ के केदारनाथ जाना है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे आपको कहीं कहीं एक छोटा छोटा ग्लेशियर नज़र आएगा। इस यात्रा में आप प्रकृति का बेहद आनंद ले पाएंगे। ये हेलीपैड है, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी में है केदारनाथ मंदिर। ये सब टेंट यात्रियों के लिए भाड़े में दी जाती है। यहाँ रात आप गुजारा कर सकते हैं। डिजास्टर के पहले का रास्ता आपके राइट साइड में एकदम क्लियरली नज़र आ रहा है। मानो इसे देख के मन शांत हो गया था, शरीर की सब थकान दूर हो गई थी। ये अगले दिन सुबह की शुरुआत थी। महादेव के दर्शन पाते ही मानो सारे दुख दर्द दूर हो गए। वक्त थम सा गया, धड़कनें तेज हो गई। मैं तय दिल से ये मन्नत मांगता हूँ कि आप सब आके महादेव के दर्शन पाएं।